Hello friends, welcome back. Now I am coming back again to the most important autobiography, Mr. Jagdish Chandra Bose. You know why I am just going to explain the particular video of this person. He is a great scientist and he has achieved multiple things in their life. So मैं इसीलिए इन जगदीश चंद्र बोस के बारे में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा. आई होप ये इनकी बायोग्राफी आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप इनकी जीवन धारा और जीवन शैली को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना पाएंगे. चलिए जानते हैं इनके बारे में छोटा सा ओवरव्यू. देखिए, जगदीश चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन 13 नवंबर 1858 एट माई मैंस सिंह, नाउ इट्स इन बांग्लादेश. तो जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर को पैदा हुए थे 1858 में, जो कि अब बांग्लादेश में है. ही वॉज रेज्ड इन अ होम कमिटेड टू प्योर इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर. वो पूरी तरीके से अपने भारतीय ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते थे. ही रिसीव्ड हिज एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द वर्नाकुलर स्कूल बिकॉज हिज फादर बिलीव दैट बोस शुड लर्न हिज ओन मदर टंग बंगाली बिफोर स्टडिंग इन द फॉरन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश. क्योंकि उनके पिता वो ये सोचते थे कि उनको सिर्फ इंग्लिश के अलावा बंगाली में भी अपनी महारत हासिल करनी चाहिए, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर बंगाली स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे. लेटर अटेंडेंट फॉर द सेंट जेवियर को स्कूल इन कोलकाता एंड पास इन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी. उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एग्जाम पास किया, एंट्रेंस एग्जाम. द बोस अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज स्टडिंग द नेचुरल साइंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द फिजिक्स डिग्री इन कोलकाता यूनिवर्सिटी. कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. नाउ ही रिटर्न इन इंडिया इन 1884. नाउ आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज बीएससी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड वॉज अपॉइंटेड अ प्रोफेसर ऑफ द फिजिकल साइंस एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कोलकाता. तो वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एज अ प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया इन फिजिकल साइंस. इन 1917 बोस लेफ्ट हिज प्रोफेसरशिप एंड एस्टेब्लिश अ बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता विच वॉज इनिशियली डिवोटेड प्रिंसिपली टू स्टडी ऑफ प्लांट. ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ 20 ईयर अंटिल हिज डेथ. तो आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू मिला कि बोस का जन्म कहाँ हुआ, बोस ने कौन सी पढ़ाई करी और उसके बाद उन्होंने क्या किया. चाहिए आइए आगे थोड़ा सा इनके फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं. द सेंट्रल हॉल ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन लंदन वॉज जैम पैक्ड विद द फेमस साइंटिस्ट ऑन May 10, 1901. एवरीवन सीम्स टू बी क्यूरियस टू नो द हाउ द बोस एक्सपेरिमेंट विल डेमोंस्ट्रेट द प्लांट हैविंग फीलिंग्स लाइक अदर फीलिंग्स बीइंग एन ह्यूमन. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में बोस ने बताया था कि हम इंसानों की तरह प्लांट्स मतलब पेड़ों में, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और जीवन के साथ उनके अंदर एक फीलिंग्स होती है. लाइक वो भी हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ये सब उनके अंदर फीलिंग्स होती है. तो बोस चोज द प्लांट हुज रूट्स वर कॉशियसली डिप्ड अप इनटू टू इट स्टेम्स इन अ वेसल एंड होल्डिंग अ ब्रोमाइड सॉल्यूशन which is considered as a poison. Now he plugged in the instrument with the plant and viewed the light spot on the screen showing the movement of the plant as its pulse beat and the spot began to and fro movement similar to the pendulum. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि जिस तरीके से इंसानों का दिल धड़कता है उसी तरह प्लांट का भी दिल होता है जो धड़कता है. एक स्पॉट दिख रहा था उन्होंने स्क्रीन में ब्रोमाइड सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था. विद इन अ मिनट द स्पॉट वाइब्रेटेड इन अ वायलेंट मैनर एंड फाइनली केम टू द एब्रप्ट स्टॉप. द होल थिंग वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइजन रैट फाइटिंग अगेंस्ट द डेथ. ये इस तरीके से होता था जैसे कि आप किसी चूहे को जहर दे दो वो तड़प तड़प के मर जाता है, उसी तरीके से प्लांट का भी था. द प्लांट हैड डाइड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द पॉइजनस ब्रोमाइड सॉल्यूशन. So now the event was greeted with much appreciation and applause. However, some physiologists were not content and considered the Bose as an intruder. They harshly knocked the experiment, but the Bose did not give up and was confident about his finding. Now the using the crescograph experiment hota hai. He further researched in response to the plant fertilizer, light rays and wireless waves. The instrument received a widespread acclaim, particularly from the Path and Congress of Science in 1900.
Many of the physiologists also supported his finding later on using more advanced instruments. तो आप ये जान सकते हैं कि प्लांट के अंदर भी फीलिंग्स होती है, दिल होता है जो धड़कता है, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं. तो ये बोस का एक्सपेरिमेंट, आई होप ये इससे आप काफ़ी को सीख पाओ. आइए उनके डेथ के बाद क्या हुआ. द बोस ऑथर द टू इलस्ट्रेटेड बुक द रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902. आई होप ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है. नाउ द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट इन 1926. He also extensive research the behavior of the radio waves, mostly known as a plant physiologist. He was actually a physicist. Bose made improvements on another instruments called the Korhar for detecting the radio waves. He was knighted in 1917 and elected a fellow of Royal Society in 1920 for his amazing contribution and achievement. He died at the age of 78 in 23rd of November in 1937 in गिरधा इंडिया. थैंक यू सो मच. आई होप गाइज ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी इनकी ऑटोबायोग्राफी. इसको मैं हिंदी में भी पब्लिश करूँगा जल्दी, और इनकी जो बुक्स हैं आप ज़रूर पढ़िएगा, और ये जानिएगा कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर फीलिंग्स होती है और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए. आप इनकी जीवन शैली को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिएगा. थैंक यू सो मच. प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू ऑल योर फ्रेंड्स. मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू.